तो आज हम मैथ्स 2 का 12 साइंस का फोर्थ चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपको मैं अभी आपको 4.4 करके दिखाऊंगा, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कुछ टाइप है, जो कि टाइप मैंने पहले से कुछ लिख के रखे हुए हैं, उनके फॉर्मूले। टाइप 1 के आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + bx + c dx, ये आपका टाइप है। नीचे आपको तेने पढ़े रहेंगे क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक मतलब ax² + bx + c = 0। देख रहे आपको यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और ऊपर आपको ऑलवेज क्या चाहिए, ऊपर 1 रहना चाहिए, नीचे क्वाड्रेटिक, तो आपको ये अप्लाई करना है। अब इसे कुछ फॉर्मूले है, ऊपर क्या है 1 और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + x, 1/x² + a² dx = 1/a tan inverse of x/a + c। a means a इक्वल टू एनी नंबर, जो आपका ये है वो भी कोई भी नंबर होगा, √5 या 5 कोई भी नंबर होगा। और सेकेंड फॉर्म में क्या है, 1/x² - a² dx = 1/2a log of x - a / x + c + c। तीसरा फॉर्म है 1/a² - x² dx = 1/2a log of a + x / a - x + c। तो इसमें क्वेश्चन वन के लिए आपको ये तीन इतना फॉर्मूला अप्लीकेबल है। अब देखिए, तो टाइप 4.4 का मैं फर्स्ट सम करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है फर्स्ट सम क्या, आपको i = (1/5x²+7dx). अब यहाँ देखिए, आपको जैसे मैंने आपको ऊपर ऑलवेज समझना चाहिए, तो 1 है ऊपर 1 और नीचे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, ऊपर 1 है मतलब आपका ये टाइप आ गया। तो ये टाइप में आपको पहले बीच में क्या है प्लस, तो मतलब आपको तीन में से कौन सा फॉर्म आने वाला है, फर्स्ट क्यू बिकॉज में प्लस है, और पहला एक्स है, तो पहला एक्स है। देखिए इसमें फॉर्म में आपको x² + a² चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको x² है, तो सब क्या करिए 1/(a)√5 लिखो x² + √7x² dx है। देखिए आपका दिख रहा है x² + a² इसको मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आपको जो √5 है उसको स्क्वायर क्या मिलता है, आपको कैंसिल आपको ओनली 5 मिलेगा। सेम इधर भी आपका जो √7 का स्क्वायर है वो आपको कैंसिल होगा, आपको 7 ही मिलेगा, समझे इतना। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज आपको ये फॉर्म में दिखने के लिए, अब दिख रहा है बराबर ये फॉर्म में दिख रहा x² + a², ये पूरा आपका अब क्या बन गया x, और ये पूरा क्या बन गया आपका a। अपना फॉर्म में क्या है x² + a² 1/a tan inverse of x / a + c, तो अपना 1/a क्या मेरा, पर लिखिए 1/a, ये क्या मेरा √7 है, फिर tan inverse x क्या मेरा, ये पूरा आपका x है, तो √5x/a क्या मेरा √7 + c। बट आपको इसमें याद रखना चाहिए होल चैप्टर में कि जो भी नंबर x के साथ में है, किसके साथ में, x के साथ में, उससे आपको डिवाइड करना है। तो x के साथ में कौन सा नंबर है √5, तो √5 से डिवाइड कर दो। तो देखिए तो क्या मिला आपको, रूट कॉमन लो तो 5 × 7 = tan inverse of √5/√7x + c, तो क्या मिला आपको 1/√5 = 35, टेन इनवर्स ऑफ होल √5/7 इधर पे x + c, ये आपको हो गया आंसर। इतना आप लोगों को समझा। इसके बाद अब सम नंबर 2, इसमें हमने क्या किया, बीच में एक वापस देख ली 1/x² + 7 था, जो कि आपका ऊपर 1 आया, तो हमने आपको यही अप्लाई करना है, ये फॉर्म में आ रहा, ये फॉर्म में आना चाहिए, बट ये फॉर्म में क्या करने से है, दोनों भी आपको स्क्वायर में चाहिए, बट यहाँ पर आपका ओनली एक नंबर स्क्वायर में था, ये और ये स्क्वायर में नहीं था, तो हमने क्या किया इसको √5 और इसको √7 का होल स्क्वायर कर लिया, बन गया, अभी फॉर्म आ गया, तो हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब सेकंड सम देखिए इसका क्या है, सेकंड सम इसका 2 है, जो कि i = (1/4x²-1dx). अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको समझ आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला आने वाला है। तो पहले देखिए बीच में क्या है, पहले x² मतलब x पहला है, पहला बीच में क्या है माइनस, माइनस है
ए मतलब एनी नंबर बताया आपको, ए मतलब आपको एनी नंबर है तो नंबर भी है, बट क्या है यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, उसको लाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इसमें पहले ए आ रहा, ए मतलब एनी नंबर, बट आपका नंबर बाद में है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आने वाला है उसके लिए। वन अपॉन ये टू को मैं क्या करूँगा, टू एक्स दी होल स्क्वायर लिख लो, माइनस वन को आपको वन का स्क्वायर करो, डी एक्स मिला, देखिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका पूरा क्या बन गया एक्स, ये पूरा क्या बन गया आपका ए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या होता है वन अपॉन टू ए, तो करो अभी वन अपॉन टू ए क्या मेरा वन है, लॉग ब्रैकेट में एक्स क्या है मेरा टू एक्स, ये आपका पूरा टू, ये पूरा आपका एक्स है, ओनली टू नहीं एक्स नहीं, आपको पूरा टू एक्स लेना है, टू एक्स फिर क्या है माइनस, ये क्या मेरा वन है अपॉन फिर एक्स प्लस ए मतलब टू एक्स प्लस वन प्लस सी। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी नंबर एक्स के साथ में उससे आपको डिवाइड करना है, तो एक्स के साथ में कौन सा नंबर है टू है, तो वन अपॉन टू करो, यहाँ पर एक साथ नंबर कौन सा था रूट फाइव, तो हमने रूट फाइव से डिवाइड किया था, यहाँ नंबर क्या है एक्स में टू है तो उसे डिवाइड किया, तो क्या मिला आपको टू टू ज़ा फोर, वन अपॉन फोर लॉग टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस सी। आई होप आपको ये समझा होगा। अब थर्ड सम करते हैं, तो थर्ड सम क्या है, आई इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर डी एक्स। देखिए इसमें पहले क्या ए आ रहा है, ए मतलब आपको सिंपल फॉर्म में दिया ए फॉर्म में, तो आपका इसमें पहले माइनस है तो मतलब माइनस ये तो आएगा नहीं, क्यों इसमें पहले एक्स आना चाहिए, बट इसमें पहले क्या है ए है, आपको ये फॉर्म आने वाला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों भी माइनस में स्क्वायर में दिया है, तो क्या करिए आप वन ऊपर वन भी है तो ए स्क्वायर आपका एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, तो बी एक्स दी होल स्क्वायर कर लो, आपको डी एक्स मिल गया, दिख रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, तो वन अपॉन टू ए पहले टू लिखिए, ये क्या मेरा ए मेरा ए है, ये आपका ए है और ये आपका एक्स है, ये फॉर्म में आ गया, ए क्या मेरा ए है लॉग ए क्या मेरा ए है प्लस का प्लस एक्स क्या मेरा ए पूरा मेरा एक्स है, तो बी एक्स हो गया अपॉन सेम ए प्लस बी एक्स प्लस सी। बट अभी वापस जो भी नंबर आपको एक्स के साथ में मिलेगा उससे डिवाइड करना है, एक्स के अंदर कौन सा नंबर है बी, तो डिवाइड बाय वन बाय बी करो, तो क्या मिला आपको वन अपॉन टू ए बी लॉग ऑफ ए प्लस एक्स बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस सी, तो ये भी आपका आंसर आ गया। अब सम नंबर करते फोर्थ, अब देखिए फोर्थ में क्या आ रहा है, फोर्थ सम थोड़ा अलग है, क्यों बिकॉज अभी हमने ये टाइप किया, इसमें फॉर्मूला सेम है बट इसमें रूट था क्या, नहीं इसमें भी रूट नहीं था, बट आपका नहीं यहाँ पर रूट आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा रूट है, तो आपके लिए फॉर्मूला चेंज होना पड़ेगा, तो दिख रहा वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपका सेम इधर भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, जो हमने फर्क किया डिफरेंस यहाँ पर ऊपर वन था वन है डी एक्स, यहाँ पर क्या रूट नहीं था बट यहाँ पर रूट आ गया, तो इसके लिए आपको ये इसके लिए यहाँ पर रूट है, तो मतलब आपको ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, तो क्या करें इसके लिए, देखिए इसका फॉर्मूला सेम फॉर्मूला इसका भी, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम रूट, सेम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला, फिर नेक्स्ट वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस, यहाँ आपको कुछ भी यहाँ प्लस में फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर ओनली प्लस ही लाना है ऑलवेज, और यहाँ पर सेम रूट, यहाँ सेम क्यों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है इतना आपको आई होप समझा होगा। तो अब थर्ड फोर्थ सम करते हैं इसका, वन अपॉन अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट डी एक्स, ठीक है अब देखिए
आपका कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? नीचे एक स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस है, मतलब आपको ये फॉर्मूला आने वाला है। इसमें किसके लिए आपको क्या चाहिए? दोनों भी स्क्वायर में चाहिए, यहाँ पर आपका एक चीज स्क्वायर में है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? वन अपॉन रूट थ्री ले लो, एक्स डी होल स्क्वायर कर लो, प्लस रूट एट डी होल स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स आपका ये थ्री एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने रूट थ्री लिख के एक्स डी होल स्क्वायर कर लिया। जो आपको करना भी क्या मिला, आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर आके थ्री मिलेगा, सेम चीज़ मिला आपको। अब यहाँ पर रूट एट था, अब तो रूट एट को मैंने एट का होल स्क्वायर लिख के आपको एट मिलता है। अब इसके बाद देख लो आपको इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अपना फॉर्म है लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम रूट। तो पहले लिखिए लॉग एक्स, क्या मेरा ये पूरा मेरा एक्स है, तो रूट थ्री एक्स, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस अब रूट सेम रूट में आप ये रूट लिखना आपको, तो रूट क्या है थ्री एक्स ये रूट स्क्वायर प्लस रूट एट स्क्वायर प्लस सी। अभी आपको क्या बताया कि जो भी नंबर एक्स के साथ में, किस साथ में, एक्स के साथ में, तो देखिए एक साथ में कौन सा नंबर, आप यहाँ देखिए या फिर यहाँ देखिए, एक साथ में रूट थ्री है, यहाँ पर रूट थ्री है, तो उससे आपको डिवाइड भी करना है। तो क्या मिला आपको? वन अपॉन रूट थ्री लॉग रूट थ्री एक्स प्लस, ये रूट आपको कहाँ से मिला? सेम यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी कर दो, यहाँ पर सॉल्व करें तो आपको ये मिलेगा, रूट रूट कैंसिल होके थ्री मिलेगा, स्क्वायर एक्स मिलेगा, ये कैंसिल आपको एट मिलेगा। डायरेक्टली सोचे मत, डायरेक्टली ये कॉपी करना आपको। तो क्या मिला आपको? रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। अब करते हैं सम नंबर फाइव। सम नंबर फाइव क्या है? मैंने आई इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट में नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है। अब देखिए इसमें अपना फॉर्मूला है, पहले क्या आ रहा ये फॉर्मूला, क्यों बीच में प्लस है, ये मैं आने वाला, क्योंकि बीच में आने वाला, ये फॉर्म आने वाला है नहीं। अभी इसमें इसको ए दोनों में कौन सा आएगा? इसमें पहला एक्स है, बाद में ए है, ए मतलब नंबर, इसमें नंबर मतलब बाद में आ रहा नंबर, इसमें नंबर पहला आ रहा, तो मतलब इसमें ए मतलब नंबर, मतलब पहले ये फॉर्म आया, ए मीन्स एनी नंबर, नंबर पहला आ गया तो मतलब ये फॉर्म आएगा। इसके लिए क्या चाहिए आपको? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वन अपॉन अंडर रूट में आप नाइन को थ्री का स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर है, फाइव एक्स जी होल स्क्वायर कर दो, आपको डी एक्स मिला, बन गया फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको? फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला डी एक्स। तो अपना फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई। तो क्या करिए अभी? इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्या मेरा एक्स मेरा क्या है फाइव एक्स, ए क्या मेरा ए प्लस सी। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका पूरा क्या था? ये पूरा आपका ए था, ये पूरा आपका एक्स था। तो क्या फॉर्मूला? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ये पूरा मेरा एक्स है तो फाइव एक्स आ गया, ए क्या मेरा थ्री है, बट जो भी नंबर एक्स के साथ में हुआ, एक्स के साथ में कौन सा नंबर है? फाइव है, तो वन अपॉन फाइव कर दो, तो वन अपॉन फाइव साइन इनवर्स ऑफ फाइव एक्स अपॉन ए, फाइव अपॉन सॉरी थ्री यहाँ पर प्लस सी, ये आपको मिल गया आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम सम नंबर लास्ट करते हैं जो कि सिक्स है। इसमें क्या करना आपको? आई इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी एक्स है। अब देखिए इसमें क्या है, बीच में माइनस आ रहा, मतलब आपको ये या फिर ये दोनों में एक फॉर्म में आएगा, बट ये क्यों नहीं आएगा? बिकॉज पहला आपका एक्स है, मतलब ये आला आने वाला है। इसमें क्या चाहिए आपको? दोनों भी स्क्वायर में चाहिए, ये स्क्वायर में है, ये नहीं है। तो क्या करेंगे? वन अपॉन अंडर रूट में रूट थ्री लिखो, एक्स दी होल स्क्वायर करो, माइनस रूट फाइव दी होल स्क्वायर डी एक्स। रूट फाइव क्यों? बिकॉज आपको रूट फाइव का स्क्वायर क्या होता है? आपको कैंसिल होकर आपको फाइव मिलता है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे? देखिए फॉर्मूला बन गया,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा आपका क्या है एक्स, ये आपका पूरा ए है, तो फॉर्मूला क्या है लॉग ऑफ एक्स, एक्स क्या है मेरा ये पूरा रूट थ्री एक्स है, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है बस सेम रूट, मतलब ये पूरा रूट लिखना आपको रूट थ्री एक्स दी होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट फाइव स्क्वायर प्लस सी लिखना आपको, क्या लिखना आपको प्लस सी, इतना हुआ। बट आपको याद नहीं जो भी नंबर x के साथ में हुआ, x के साथ में कौन सा नंबर है रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री से डिवाइड कर लीजिए तो क्या मिला आपको वन अपॉन रूट थ्री लॉग ऑफ रूट थ्री एक्स प्लस, ये रूट आपको कहाँ, आप देखो अगर आप सॉल्व करेंगे रूट का स्क्वायर ये कैसे आपको नहीं थ्री मिलेगा, आपको थ्री मिलेगा स्क्वायर का एक्स मिलेगा माइनस का माइनस रूट फाइव आपको फाइव मिलेगा, तो सिंपली सॉल्व मत करो डायरेक्ट ना आपको ये लिखना है, ये क्वेश्चन आप ये कहाँ से मिला आपको, यहाँ से आपको डायरेक्ट कॉपी करना है प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए, और आगे और नेक्स्ट